इस हफ्ते लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का हुआ मतदान। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे चरण में 12 राज्यों की 95 सीट पर कुल 61.12% हुई वोटिंग। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में पड़े 75.27% वोट। दूसरे चरण में छिटपुट हिंसक झड़पों के बीच संपन्न हुआ मतदान। मतदान के दौरान कई जगहों पर ईवीएम में खराबी की आई शिकायतें। पश्चिम बंगाल में हिंसक झड़प हुई तो बिहार के बांका में दो पक्षों में चली गोलियां। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में फर्जी मतदान के लगे आरोप। बुलंदशहर में भाजपा सांसद भोला सिंह पर किसी भी पोलिंग बूथ में नहीं जाने का लगा बैन। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से दिया टिकट। कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह को चुनौती देंगी साध्वी प्रज्ञा। मालेगांव विस्फोट मामले में लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया का सामना कर चुकी है साध्वी प्रज्ञा। साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने पर विपक्ष ने मचा हंगामा। उमर अब्दुल्ला ने कहा बस चलता तो फांसी पर लटका देते ये लोग। उमर अब्दुल्ला ने कहा भाजपा को अब मंदिर मस्जिद पर वोट नहीं मिल रहे। उमर अब्दुल्ला ने कहा इसीलिए भाजपा ने भोपाल से आतंकवाद की आरोपी को दिया टिकट। वहीं साध्वी का पलटवार, गनीमत है कि ये नहीं कहा कि मुझको तत्काल फांसी पर लटका देना चाहिए। वहीं साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि मुझे स्वास्थ्य के आधार पर नहीं मिली बेल, उमर अब्दुल्ला को अपनी जानकारी ठीक करने की जरूरत। कांग्रेस से इस्तीफा देकर शिवसेना में शामिल हुई प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका ने कहा महाराष्ट्र मेरी कर्मभूमि रही, मैं मुंबई में काम करना चाहती हूँ। बोली प्रियंका, जानती हूँ मुझसे कई सवाल पूछे जाएंगे, कांग्रेस ने मेरा सम्मान नहीं किया। प्रियंका ने कहा सोच समझ कर शिवसेना से जुड़ रही हूँ, मुझे मन बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रियंका चतुर्वेदी के कांग्रेस छोड़ने पर हरदीप सिंह सुरजेवाला ने जताया दुख। कहा प्रियंका का पार्टी छोड़ना निश्चित रूप से मेरी लीडरशिप की असफलता। बदसलूकी के मामले में कांग्रेस की ओर से उचित कदम न उठाए जाने से नाराज थी प्रियंका चतुर्वेदी। राहुल गांधी को खत लिखकर प्रियंका ने कहा भारी मन से दे रही हूँ इस्तीफा। चुनाव आयोग ने विवादित बयान देने पर इस हफ्ते कई नेताओं पर लगाया बैन। बीजेपी नेता जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी करने की वजह से आजम खां पर चुनाव आयोग का चला डंडा। चुनाव आयोग ने आजम को 72 घंटे के लिए किया था बैन। मायावती पर भी चला चुनाव आयोग का चाबुक। मुस्लिमों से वोट की अपील पर चुनाव आयोग ने मायावती पर लगाया था 72 घंटे का बैन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी चला चुनाव आयोग का चाबुक। भगवान हनुमान से जुड़े बयान पर चुनाव आयोग ने लगाया था योगी पर 72 घंटे का प्रतिबंध। बीजेपी नेता मेनका गांधी पर भी चुनाव आयोग ने 72 घंटे का लगाया था बैन। इस हफ्ते जेट एयरवेज ने भरी आखिरी उड़ान। बीते बुधवार रात से अस्थायी रूप से बंद हो गई जेट एयरवेज की उड़ानें। 400 करोड़ रुपए जुटाने में विफल रहा जेट एयरवेज। जेट की अंतिम उड़ान अमृतसर से मुंबई की थी। रात लगभग 10:30 बजे उड़ान भरने के बाद बंद हो गई जेट की फ्लाइट्स। जेट की फ्लाइट्स के बंद होने के पीछे वित्तीय संकट है कारण। एयरलाइंस ने बीते मंगलवार को केवल 5 विमानों का ही किया था संचालन। कंपनी बंद हुई तो 20,000 लोगों की चली जाएगी नौकरी।